हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पेपे टोकन की न्यू अपडेट के बारे में। और क्या बुलरन में शिबा इनो को पीछे छोड़ सकता है या नहीं, और शिबा इनो को पीछे छोड़ने के लिए कितना ज़्यादा रिटर्न इसको देना होगा, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। पेपे टोकन की करंट प्राइस 0.5 x 0.78 डॉलर चल रही है और 22% का इसने आज ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि पंप किया है। अगर ऑल ग्राफ देखते हैं तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 0.4 x 0.1 डॉलर का ऑल टाइम हाई है, अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा करीब है। और हो सकता है 1 से 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई दोबारा से बनाता हुआ हमें दिख सकता है। इसका जो मार्केट कैप है वो 3.2 बिलियन डॉलर का है और शिबा इनो का जो मार्केट कैप है 15 से 20 बिलियन डॉलर का है। इसको लगभग यहाँ से 500-600% और पंप होना होगा शिबा इनो को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर शिबा इनो दोबारा से पंप हो जाता है तो पेपे टोकन यहाँ पर टक्कर ले सकता है और आने वाले बुलरन में हो सकता है कि शिबा इनो टोकन को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन शिबा इनो टोकन को पीछे छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर पेपे टोकन की जो कम्युनिटी हो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो वो शिबा इनो को पीछे छोड़ सकती है। साथ ही में 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.4 बिलियन डॉलर की चल रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 63% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है और जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर जो रैंक है वो इसकी 9 नंबर पर है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सर्कुलेटिंग मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर वेरीफाइड है और इथेरियम ब्लॉकचेन पर यह वर्क करता है। अगर जिसने बाय नहीं किया हुआ है और वो बुल रन तक होल्ड करने के लिए बाय करता है तो लगभग बाइनेंस, यूनिस्वैप, बायबिट, ओकेक्स, क्राकेन, कुकॉइन, गेटआईओ, होबी ग्लोबल, बिटनेक्स, यानी कि जितने भी एक्सचेंज हैं आप किसी भी एक्सचेंज के जरिए इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। बाय करने से पहले खुद की रिस्क एंड खुद की रिसर्च जरूर करें। ट्विटर अकाउंट की बात करते हैं, ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, 6,45,000 फॉलोअर्स इनके ट्विटर अकाउंट पर कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले बुल रन तक 1 मिलियन से 2 मिलियन फॉलोअर्स हमें इसके कंप्लीट होते दिखाई दे सकते हैं। क्राकेन प्रो एक्सचेंज की तरफ से 1 घंटे पहले का ट्वीट है जिसको पेपे टोकन ने रीट्वीट किया है, यानी कि रिपोस्ट किया है। न्यू मार्जिन पेयर्स नाउ अवेलेबल फॉर ICP, पेपे, सिप और वाइफ, यानी कि यहाँ पर मार्जिन पेयर्स यहाँ पर क्राकेन प्रो एक्सचेंज पर एडजस्टमेंट हुआ, यानी कि अवेलेबल हुआ है, जिसमें ICP टोकन है, पेपे का नाम है, शिबा का नाम है और वाइफ डोज वाइफ कॉइन का नाम है। तो यहाँ पर पेपे टोकन 2nd नंबर पर है और यहाँ पर आज मार्जिन पेयर के अंदर अवेलेबल हो चुका है। अगर आप क्राकेन प्रो एक्सचेंज यूज करते हैं, वहाँ पर मार्जिन लेना चाहते हैं, तो आप पेपे टोकन में आसानी से मार्जिन ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार अपडेट की वजह से इसमें पंप भी हमें देखने को मिला है। अब जो दूसरा ट्वीट है वो 19 घंटे पहले का ट्वीट है, कोजी पेपे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट की है जिसमें कोजी पेपे लिखा हुआ है और 6 दिन पहले का ट्वीट है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपे के हाथ में एक रोशनी है, यानी कि यहाँ पर रोशनी चमक रही है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में, महीनों के अंदर हमें पेपे टोकन काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। बाकी आप कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, आपकी क्या राय है, क्या ये बुल रन में शिबा इनो को पीछे छोड़ेगा या नहीं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।